Hello friends, welcome to my channel BeFriend English. This is me, Dr. Sunita, teaching you English through Hindi. And today's topic is some daily used sentences and words related to winter season, winter vocabulary. Yes, so let us start. पहला सेंटेंस है हमारा सर्दी आने वाली है. सर्दी आने वाली है. Winter is round the corner. और अराउंड द कॉर्नर आने वाली है के लिए यूज करते हैं राउंड द कॉर्नर या अराउंड द कॉर्नर, कुछ भी यूज कर सकते हैं. विंटर इज राउंड द कॉर्नर. इस बार सर्दी कुछ जल्दी आ गई है. विंटर हैज किक्ड इन अर्ली दिस ईयर. किक्ड इन ये फ्रेज है जो यूज करते हैं आ गई है के लिए. विंटर हैज किक्ड इन अर्ली दिस ईयर. इस साल कुछ जल्दी आ गई है. It seems it is going to be very cold this year. Very cold मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है. कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है या जमा देने वाली ठंड पड़ने वाली है, इनके लिए आप शब्द यूज़ कर सकते हैं freezing या frosty. Freezing मतलब जमा देने वाली ठंड, frosty मतलब भी जमा देने वाली है. बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है इस साल. ऐसा लगता है कि इस साल बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जमा देने वाली ठंड पड़ने वाली है. इट सीम्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कोल्ड और फ्रीजिंग और फ्रॉस्टी दिस ईयर. अगला सेंटेंस है देयर वॉज अ स्नोफॉल इन उत्तराखंड, दैट्स वाई इट हैज़ गॉट चिली हियर ऑल्सो. इस अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, इसलिए यहाँ पे भी ठंड बढ़ गई है. स्नोफॉल मतलब जो बर्फ़ गिरी है. देयर वॉज अ स्नोफॉल इन उत्तराखंड बिफोर सम डेज, दैट्स वाई इसीलिए इट हैज़ गॉट चिली हियर ऑल्सो. चिली मतलब ठंड बढ़ गई है. हैज़ गॉट चिली, यहाँ पे भी थोड़ी सी ठंड बढ़ गई. चिली मतलब थोड़ी सी ठंड, ठंडक हो गई है. स्नोफॉल बर्फ गिर गई है. नेक्स्ट सेंटेंस इज थिक या डेंस या हैवी फॉग. टर्म है हमारा फॉग. थिक मतलब भी बहुत ज़्यादा घना, डेंस मतलब भी घना. और जो घना कोहरा ड्राइविंग कंडीशंस को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देता है. आपको पता है ना उन सर्दियों में कितना ज़्यादा कोहरा होता है जिसकी वजह से हमें कुछ दिखता भी नहीं है. तो वही है फॉग यानी कि कोहरा. थिक डेंस या हैवी, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं घना वर्ड के लिए. घना कोहरा, थिक फॉग, डेंस फॉग और हैवी फॉग मेक्स ड्राइविंग कंडीशंस डेंजरस. ड्राइविंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं कोहरे की वजह से. और आपको पता है ना दिल्ली और नोएडा वाला एरिया तो पूरी तरह स्मॉगी हो जाता है. फुली कवर्ड विद स्मॉग इन विंटर्स. मतलब स्मॉग मतलब कोहरा और जो स्मोक, वहाँ का जो पॉल्यूशन वाला जो स्मोक होता है धुआं, उसका जो मिक्सचर होता है दैट इज़ नोन एज स्मॉग. तो जो दिल्ली में नोएडा में वो पूरा एरिया दैट दिल्ली नोएडा इज फुली कवर्ड विद स्मोक इन विंटर्स. सर्दियों में दिल्ली नोएडा वाला एरिया पूरी तरह से स्मोक से भर जाता है. पूरा दिन ही इट रिमेन्स स्मोगी. द होल डे इट रिमेन्स स्मोगी. कोहरेदार, कोहरा और धुएं का मिक्सड स्मोगी. एंड नेक्स्ट टर्म इज मिस्ट. मिस्ट भी मतलब धुंध. एंड द सेंटेंस इज द मॉर्निंग मिस्ट हैज लिफ्टेड एंड द सन इज स्टार्टिंग कमिंग थ्रू. मिस्ट मतलब धुंध जो सुबह के समय सर्दियों में होती है, कम कम दिखता है धुंध. कुहासा भी बोलते हैं इसी को. और स्टार्टेड कमिंग थ्रू, सन कमिंग थ्रू दिखने लगा है. अगला सेंटेंस है घास ओस की बूंदों से गीली थी. ओस की बूंदें द टर्म इज ड्यू ड्रॉप्स. ड्यू यानी कि ओस, ड्रॉप्स यानी कि बूंदें, ओस की बूंदें. तो द ग्रास वॉज वेट विद द मॉर्निंग ड्यू ड्रॉप्स. सुबह की ओस की बूंदों से घास गीली थी.
अगला सेंटेंस है जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं मम्मियों के बेटियों के लिए बेटों के लिए, ड्राई योर हेयर और एल्स यू मे कैच कोल्ड। बच्चे नहा के आते हैं, बाल गीले हैं और फिर मम्मी उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ड्राई योर हेयर, अपने बाल सुखा लो, नहीं तो तुम्हें जुकाम हो सकता है। यू मे कैच कोल्ड, कैच कोल्ड जुकाम हो सकता है। और एल्स इज द टर्म फॉर नहीं तो, वरना, अन्यथा, अन्यथा तुम्हें जुकाम हो जाएगा, वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। ड्राई योर हेयर, अपने बाल सुखा लो, नहीं तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। यू मे कैच कोल्ड। तेज ठंडी हवा में हम कपकपा रहे थे, पियर्सिंग विंड, बहुत तेज ठंडी हवा। पियर्सिंग मतलब वो भेदने वाली, अंदर तक जो हड्डियों तक भी हमें फील होती है सर्दियों की ठंडी हवा, दैट इज नोन पियर्सिंग विंड। तो एंड वी वर शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कपकपाना, ठंड के मारे जो ठिठुरना, दैट इज नोन ठिठुरना, जो हम कपकपाते हैं, ठिठुरते हैं वो। तो उस तेज ठंडी हवा में, पियर्सिंग विंड में हम कपकपा रहे थे, ठंडी हवा में हम कपकपा रहे थे। वी वर शिवरिंग इन पियर्सिंग विंड, पियर्सिंग एक्सट्रीमली कोल्ड। बच्चों को रात में बोला जाता है चलो रजाई ओढ़ लो और सोने की कोशिश करो। तो रजाई के लिए टर्म है क्विल्ट या डूवे, क्विल्ट या डूवे। ब्लैंकेट तो सब भी जानते हैं, कंबल, क्विल्ट यानी कि रजाई, डूवे मतलब भी रजाई या लिहाफ भी बोलते हैं इसको। तो जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस मम्मियाँ देती हैं, पुल द डूवे ओवर योर हेड, सिर तक ओढ़ लो और सोने की कोशिश करो। जब बच्चे सो नहीं रहे होते हैं तो फिर मम्मी उनको बोलती है चलो ओढ़ लो अच्छे से, सिर तक ओढ़ लो और सोने की कोशिश करो। एंड नेक्स्ट इज आई डोंट फील लाइक कमिंग आउट वंस आई स्नगल डाउन इन माई डूवे। एक बार जब अपनी रजाई में घुस जाओ ठंड में तो फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता। आई डोंट फील लाइक मन नहीं करता। डूवे मतलब रजाई, वन स्नगल डाउन मतलब रजाई में घुस जाओ, यूँ लपेट लो, और जब वार्म्थ गर्म भी हो जाए रजाई तो उसके बाद फिर निकलने का मन नहीं करता। मेरा क्या, मुझे लगता किसी का भी नहीं करता होगा। सर्दियों की कड़ाके की जब ठंड होती है, रजाई में एक बार घुस जाओ तो फिर मन नहीं करता। आई डोंट फील लाइक कमिंग आउट वंस आई स्नगल डाउन इन माई डूवे। स्नगल डाउन मतलब वही रजाई में घुस के गर्म हो जाना, और इस तरह से लपेट लेना, दैट इज स्नगल डाउन। अगला है इन विंटर्स चिल्ड्रन यूजुअली हैव रनी नोज, इची आईज एंड स्क्रैची थ्रोट। ये एक कॉमन सिम्टम है सर्दियों में। अधिकतर बच्चे रनी नोज मतलब उनकी नाक बह रही होती है, स्क्रैची थ्रोट मतलब गले में खिचखिच, स्क्रैची थ्रोट मतलब गले में खिचखिच अधिकतर बड़ों को भी हो जाता है, और इचिंग आइज, और इसकी वजह से आँखों में भी कुछ कुछ जलन और स्वेलिंग सा फील होता है, हल्का दर्द सा, दैट इज इची आइज। तो दिस यूजुअली चिल्ड्रन हैव रनी नोज, इची आइज एंड स्क्रैची थ्रोट इन विंटर्स। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है जो मम्मी अक्सर इंस्ट्रक्शंस देती हैं अपने बच्चों को, डोंट वाइप योर नोज, रनिंग नोज विद योर स्लीव, यूज टिश्यू और हैंकरचीफ। अपनी नाक जो रनिंग नोज मतलब बहती हुई नाक को वाइप मतलब पोंछना, बच्चे कई बार करते हैं ना यूँ, उन्होंने हाथ से अपनी स्लीव से ही हाथ पोंछ लिया, नाक को पोंछ लिया, तो मम्मी उनको इंस्ट्रक्शन देती हैं कि नहीं, जस्ट डोंट wipe your running nose through your with your sleeve, use tissue or handkerchief, मतलब रूमाल का यूज़ करो या टिश्यू पेपर का यूज़ करो। bundle up yourself because it is freezing outside or biting cold outside, बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, freezing जमा देने वाली ठंड, biting cold या मतलब वही कड़ाके की ठंड, बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है इसलिए बंडल अप योरसेल्फ, बंडल अप मतलब पूरी तरह से गर्म कपड़े अच्छे से पहन लो, गर्म कपड़े अच्छे से पहन लो, मतलब स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स और ये कैप, एवरीथिंग,
मंकी कैप और वॉट एवर स्कार्फ, ये सारे कपड़े अच्छे से पहन लो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बी श्योर टू वियर योर ग्लव्स और मिटन्स एंड डोंट फॉरगेट योर हेलमेट. बच्चों को ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं निकलने से पहले सर्दियों में, चलो पहले अपने ग्लव्स या मिटन्स, मैं डिफरेंस बता दूँ. ग्लव्स मतलब दोनों ही हाथों को कवर करते हैं, लेकिन ग्लव्स में ये पांचों उंगलियों के लिए सेपरेट सेक्शंस होते हैं, जबकि मिटन्स में केवल थंब के लिए होता है और ये फिंगर्स उसकी कॉमन होती है. कॉमन तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लव्स एंड मिटन्स. तो ये दोनों में अंतर है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मदर टू देयर चिल्ड्रन कि बाहर निकलने से पहले जस्ट डोंट फॉरगेट योर हेलमेट, हेलमेट मत भूलना, पुट ऑन योर ग्लव्स और मिटन्स, ये सब पहन के जाओ, बंडल अप योर सेल्फ एंड जिप अप योर जैकेट ऑल्सो. बच्चे जैकेट पहन तो लेते हैं पर जिप नहीं लगाते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, तो फिर उनको तो ये भी बोला जाता है जिप अप योर जैकेट, अपनी जैकेट की चेन पूरा ऊपर तक बंद करो, जिप अप योर जैकेट. लिप्स एंड हैंड्स गेट चैप्ड एंड फ्लैकी इन विंटर्स, ये दिस इज ऑल्सो अ कॉमन सिम्टम. हमारे हाथ और लिप्स अधिकतर सर्दियों में फट जाते हैं, तो फटने के लिए टर्म यूज करते हैं चैप्ड लिप्स या फ्लैकी हैंड्स, हाथों की स्किन निकलने लगती है, लिप्स की स्किन निकलने लगती है. तो चैप्ड लिप्स, फ्लैकी स्किन, चैप्ड स्किन, तो यूज सनस्क्रीन एंड लिप बाम फॉर चैप्ड स्किन, चैप्ड लिप्स. नेक्स्ट इज ऑस्कर माय पेट डॉग बास हैप्पीली इन द सन. बास्क मतलब धूप सेंकना, सर्दियों में सभी धूप सेंकने इंजॉय करते हैं, धूप में बैठते हैं. ऑस्कर जो कि मेरा पेट डॉग है वो बड़े मज़े से धूप में बैठता है, बहुत इंजॉय करता है धूप में बैठना. एंड ऑन संडेज वी ऑल्सो इंजॉय टी, मॉर्निंग टी वाइल बास्किंग इन द सन. बढ़िया सुबह धूप में बैठ के चाय पीना, बहुत मज़े से चाय पीते हैं हम लोग, इंजॉय करते हैं संडे को. संडे इज द परफेक्ट डे फॉर अ सन बाथ. सन बाथ भी धूप सेकने के लिए लेते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं सन बाथ और बास्किंग द सेम. तो संडे परफेक्ट डे होता है जब हम बढ़िया आराम से धूप सेक सकते हैं, बैठ सकते हैं धूप में. माई मदर ऑफन गेट्स चिल ब्लेंस और फ्रॉस्ट बाइट्स और फ्रॉस्ट निप्स इन विंटर्स. चिल ब्लेंस मतलब जो पैर की उंगलियाँ सूज जाती हैं और फट जाती हैं, उनमें दर्द भी होता है, सूजन की वजह से रेड हो जाती हैं, दर्द होता है, दिस इज़ नोन एज चिल ब्लेंस. इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं चिल ब्लेंस या फ्रॉस्ट बाइट्स. सर्दी की वजह से जब हमारे पैर की उंगलियाँ सूज जाती हैं और दर्द होता है उनमें, तो उनको बोलते हैं चिल ब्लेंस या फ्रॉस्ट बाइट्स. तो मेरी मम्मी को ये अक्सर हो जाता है चिल ब्लेंस. माई मदर ऑफन गेट्स चिल ब्लेंस इन विंटर्स, चिल ब्लेंस और फ्रॉस्ट बाइट्स. चलो आके आग में हाथ सेक लो. हाँ, ये भी एक कॉमन सिनेरियो होता है, घर में दादी लोग आग जला के हाथ सेकते हैं या रूम हीटर्स लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हाथ सेकते हैं अपने. और तो उसके लिए बच्चों को भी जब बुलाया जाता है कम चलो आओ हाथ सेक लो, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कम द आउट ओवर हियर बाय द फायर. ये आग में आके अपने हाथ सेक लो. द आउट इज द टर्म फॉर हाथ. द आउट मतलब होता है मेल्ट, डिफ्रॉस्टिंग. तो जब बर्फ जम जाती है डिफ्रॉस्ट करते हैं उसको उस टर्म को थाव. लेकिन इधर हाथ सेकने के लिए भी थाव वर्ड यूज़ करते हैं. जब हमारी मसल्स जमने लगती हैं ठंड की वजह से बहुत, तो फिर हम लोग हाथ सेकते हैं. तो थाव आउट योर हैंड्स बाय द फायर, थाव आउट योर हैंड्स बाय द फायर, हाथ सेक लो. सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स. मैंने आप लोगों के लिए बहुत नए नए वर्ड्स और सेंटेंसेज और फ्रेजेस लेकर आई हूँ विंटर रिलेटेड,
और आई होप यू विल यूज़ दीज सेंटेंसेज एंड फ्रेजेज एंड वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन. आई होप नो आई डोंट होप आई एम श्योर आपको यूज़ करना है, आप करेंगे. यस, इन सारे शब्दों को, सेंटेंसेस को यूज़ करिए अपने सिनेरियो के साथ, अपने सिचुएशंस के साथ, और फिर मुझे और बताइए इन व्हाट सिचुएशन व्हाट वर्ड्स और फ्रेजेस यू वांट फॉर विच सिचुएशन. मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट दीजिए. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, थैंक यू.